अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमामी दोस्त अहबाब सब खैर खरीत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको आबाद रखे, खुश रखे, मालिक आपको ऐसी हंसता मुस्कुराता रखे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी पीर हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के बारे में, आपकी हकीकत के बारे में। सबसे पहले आपसे ये गुजारिश है कि हमारा ये यूट्यूब का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, हमारी हौसला अफजाई किया करें। अगर हमारे साथ कोई गिला शिकवा तो आप कमेंट में वो कर सकते हैं। आए जनाब, सबसे पहले मैं यार यूट्यूब पर एक चीज़ देख रहा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ जिस चीज़ का मैं देख रहा था। लो जी, कुछ लोगों ने वीडियो बनाई हक खतीब की हकीकत, हक खतीब के राज फाश, हक खतीब ऐसा है, हक खतीब वैसा है, फ़िलहान है ये वो। मैं वल्ला मैं हक खतीब बादशाह अली सरकार को मैं बिल्कुल नहीं जानता, ना उनसे कभी मिला हूँ ना उनको कभी देखा है, मैं नहीं उनको जानता। बस जब मैंने ये वीडियो देखी ना यार, मेरी एक बात याद रखे, मुझे उनसे हजार इख्तलाफ, लाख इख्तलाफ, लेकिन आप कभी उनकी इतनी इतनी बड़ी महाफिल में देखते हैं उनके जो यहाँ पे बैच लगा होता है उस पर क्या नारा होता है, ताजदार खत्म नबूवत, अल्लाह अकबर। उनके बैच पर क्या नारा होता है, उनकी महाफिल में क्या नारा होता है, ताजदार खत्म नबूवत। एक लम्हे के लिए मैं आपकी बात सुन लेता हूं कि वो गलत हैं, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, उनकी हजार गलती हैं, मैं कहता हूं कि लाख गलती हैं, लेकिन यार इंसान ही है ना, वो भी, वो कोई फरिश्ता तो नहीं है कि उससे कोई गलती नहीं होगी, हुई होगी गलतियां, लेकिन इंसान की किसी गलती के पीछे आप उसकी सारी नेकियों को पर्दा न डाल दीजिएगा, उसकी नेकियों को पीछे न डाल दीजिएगा, खाली उसके ऐब सामने रखने शुरू कर देते हैं। ऐब आप में और मुझ में कितने हैं, कितने ऐब हैं। मैं जनाब, मैं उनकी वीडियो देखता हूँ, मेरे अभी जो है ना, समझ लें कि एक रिश्तेदार गए उनके आस्थाने पर ना, तो वो कहते यार वहाँ पर हजारों क्या लाखों लोग आए हुए, वो कहने लगे कि जनाब वहाँ पे इतनी ज़्यादा सफाई का इंतज़ाम और उसके अलावा 3 टाइम का खाना बिल्कुल मुफ्त में, और उसके अलावा रहने बैठने के लिए हमें अच्छा सा कमरा दिया गया, और उसके अलावा उन्होंने हमें दम किया और हमसे एक रुपया भी किसी ने नहीं मांगा, और हमें जो है तवीज़ भी दिए गए और साथ में हर चीज़ दी गई, मतलब कि दम भी किया गया, तवीज़ भी दिए गए, पानी भी दिया गया। यार खुदा के लिए, खुदा के लिए मेरे भाइयों, अपनी ये झूठी फेम हासिल करने के लिए ना, चंद दिन की फेम हासिल करने के लिए किसी भी शख्सियत पर जो है तनकीद करना छोड़ दो, किसी की ज़ात पर कीचड़ उछालना छोड़ दें। मैं कहता हूँ हक खतीब में यार हज़ार गलतियाँ होंगी, हज़ार उसमें भी खामियां होगी, लेकिन जनाब उसमें ये भी आप देखें ना, सारा दिन जो बंदा सारी रात एक ही नारा लगाता है, ताजदार खत्म नबूवत। हो सकता है क्यामत वाले दिन अल्लाह करीम इसी नारे के सदके से उसकी बख्शिश फरमा दे, तो हम कहाँ जाएंगे जनाब, इज्जत जिल्लत तो मेरे मालिक के हाथ में। लेकिन गलत किसी अपने चैनल को फेमस करने के लिए किसी भी मुसलमान पर मेरे भाइयों गलत जो है बदगुमानी बिल्कुल ना कीजिएगा, ये क्यामत वाले दिन ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, इसका भी बहुत ज़्यादा अजाब होगा जो किसी भी मुसलमान भाई पर बदगुमानी लगाता है। बस मेरी एक बात, मेरा आज का यही पैगाम था, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ अपनी झूठी फेम के लिए उन पर गलत इल्ज़ामात ना लगाएं, क्योंकि मेरे रिश्तेदार गए हैं, उन्होंने खुद हकीकत देखी है, वहाँ पर कोई बंदा नहीं है जो आपसे पैसा मांगेगा, कभी खुद अपनी नज़रों से जा के देखें जनाब। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि ये देखें, अब मैंने भी एक वीडियो उनके बारे में बनाई ना, हक खतीब बादशाह सरकार के बारे में, अब देखें मैं उनसे मिला भी नहीं, हाँ हो सकता है उनमें भी कई खामी हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हर इंसान के बारे में पॉजिटिव वीडियो बनाया करें, किसी के बारे में भी नेगेटिव वीडियो ना बनाया करें, अच्छी वीडियो बनाया करें, और अगले बंदे के अमाल उसके साथ क्यामत वाले दिन उसने अपना हिसाब देना है, हमने अपना हिसाब देना है। बस मेरा आज का यही पैगाम था, अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आप सबसे गुजारिश है मेरा यूट्यूब चैनल मसरूफ लोग जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर मेरे साथ कोई आपको गिला शिकवा है तो कमेंट में ज़रूर मेरे साथ गिला शिकवा भी आप कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको आबाद रखे, मुझे दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।